यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4थे मंत्र का अंश है, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में चारों वेदों के प्रमाणों के आधार पर हमें मालूम होता है परवरदिगार एक है, अनेक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहलाने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करने वाली चेतन शक्ति एक ही है, जिसे हम परवरदिगार कहते हैं। किंतु अज्ञानता के कारण व्यक्ति परवरदिगार को अलग अलग मानने लगते हैं। वास्तव में परवरदिगार एक ही है और परवरदिगार के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर नाम अनेक है। यदि सभी महत्वपूर्ण संप्रदाय के व्यक्ति इस सत्य को समझ जाए कि परवरदिगार एक है, तो परस्पर प्रेम भाव बढ़ेगा, सहानुभूति आत्महीनता बढ़ेगी। इस विषय को और अधिक जानने और समझने के लिए आप वेदों प्रकांड विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर सकते हैं। आइए वेदों में देखते हैं कहाँ लिखा है ईश्वर एक ही है। यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4थे मंत्र का अंश है, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, अर्थात उत्पन्न हुए संसार को रचने और पालन करने वाला एक है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश है, धियावा भूमि जनयन देव एकः, अर्थात सूर्य और पृथ्वीलोक को उत्पन्न करने वाला देव एक है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के एक मंत्र का अंश है, यो देवानाम नामधा एक एवा, अर्थात जो ईश्वर देव आदि का अर्थात सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि का नाम रखने वाला एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये अथर्वेद और ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश है। इसका भावार्थ है, बुद्धिमान एक परवरदिगार को बहुत प्रकार के नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद के 6वें मंडल के एक मंत्र का अंश है, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, अर्थात संपूर्ण संसार का राजा एक ईश्वर है। अथर्वेद के एक मंत्र का अंश देखिए, जिसमें बहुत जोर देकर कहा गया है कि ईश्वर एक ही है। सएष एका एक वृद्धे का एव, अर्थात वह ईश्वर एक अद्वितीय ही है, उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं। सामवेद के 389 के मंत्र का अंश है, या एक इद विद्यते वसु, अर्थात जो एक ही है धन को विशिष्ट रूप से देता है। सामवेद में ही 1710 मंत्र का अंश है, सम्राडेको विराजति, अर्थात एक अद्वितीय परमेश्वर चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ विशेष रूप से शोभा पा रहा है। अथर्वेद के एक मंत्र का अंश है, भुवनस्य यस पतिरेक एव, अर्थात जो ब्रह्मांड का एक ही पालक स्वामी है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 4थे मंत्र का अंश है, अनेज देकम मनसो जवियो, अर्थात परमात्मा एक है, अचल है, नहीं कंपने वाला है, मन से भी अधिक वेग वाला है। इन सब वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि परवरदिगार एक ही है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम सब एक ही है और हमारा परवरदिगार भी एक ही है, और वो परवरदिगार इंसान को राह रास्ते दिखाने के लिए हर कौम में एक एक नबी को भेजा, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अपनी कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा। इन सभी का पैगाम एक ही था कि हम सब का मालिक एक ही है और वही इबादत के लायक है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आखिरी नबी व रसूल और आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, ताकि हम लोग उस परवरदिगार को पहचान कर उसी की बंदगी करें, दूसरे की नहीं, क्योंकि वही इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। यही इंसान का असल धर्म है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।